वेलकम टू मैथ एक्सिस। तो आज के वीडियो में पढ़ने वाले हैं आप सभी के ICSE क्लास 10 मैथ्स के चैप्टर 12 इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8 का सॉल्यूशन। अगर आपने अभी तक हमारा एक्सरसाइज 12.1 का सॉल्यूशन वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके उसको एक बार देख सकते हैं। साथ ही साथ हमारा एक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पे वन शॉर्ट वीडियो है, उसको अगर आप एक बार देख लेंगे तो ये चैप्टर समझने में आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगा। ठीक है, देखो मैं जो पहला क्वेश्चन दे रखा है कि स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, स्टेट लाइन वाई प्लस टू 3x-5 एंड 2y+4x+7 आर पैरेलल परपेंडिकुलर नाइदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर। तो मैं इसके पहले आपको कुछ एक मैं कह लो फार्मूले बताना चाहूँगा कि अगर हमारे पास दो स्टेट लाइन हैं जिसमें पहले वाले का स्लोप m1 है और दूसरे वाले का स्लोप m2 है, तो अगर दोनों के स्लोप आपस में इक्वल होंगे तो लाइंस हमारी पैरेलल होती हैं, कंडीशन है। और अगर दोनों के स्लोप को मल्टीप्लाई करने पे हमें -1 मिल जाए तो जो हमारी लाइंस है वो आपस में परपेंडिकुलर होती हैं। तो ये आपको याद रखना है, अगर पैरेलल होंगी तो स्लोप इक्वल होगा, परपेंडिकुलर होंगी तो मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। तो जैसे हमें हमारे क्वेश्चन में हमें एक लाइन का इक्वेशन दिया है y=3x-5 एंड दूसरे लाइन का हमें इक्वेशन दिया है 2y=4x+7। तो अगर इनको हम लोग y=mx+c से कंपेयर करें तो आपको दिख जाएगा कि अगर आप इन दोनों इक्वेशन को y=mx+c से कंपेयर करें तो आपको क्या मिलेगा कि पहले वाले का स्लोप m1 आ गया आपका डायरेक्ट 3, एंड दूसरे वाले को अगर हम चेंज करें तो हमें क्या मिलेगा 4x/2+7/2। तो हमें क्या मिल जाएगा y=2x+7/2, यानी दूसरे वाले का m2 हमें मिल गया 2, m2 क्या मिल गया 2। तो ना तो दोनों के स्लोप आपस में इक्वल हैं, मतलब लाइन पैरेलल तो नहीं है, नाइदर नॉर पैरेलल, तो पहला ऑप्शन तुम्हारा गलत है। दोनों के स्लोप को अगर हम मल्टीप्लाई करें 3 × 2 करें तो आ रहा है 6, जो कि -1 नहीं आ रहा है, मतलब परपेंडिकुलर भी नहीं है। तो ऑप्शन 3 हमारा सही है, नाइदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर। ठीक है, देन अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। अगर वीडियो आप सभी बच्चों को अच्छा लग रहा है तो मैं दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया है इफ़ 6x+5y-7=0, ये हमारा एक लाइन का इक्वेशन है, एंड सेकेंड लाइन का इक्वेशन हमें दे रखा है 2px+5y+1=0 आर पैरेलल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 जो हमें दे रखा है 6x+5y-7=0। ठीक है, ठीक है, अगर इसको हम चेंज करें इस फॉर्म में तो हमें क्या मिलेगा 5y=-6x+7, यानी y हमें क्या मिलेगा तो -6/5x+7/5। ठीक है, इट मीन्स स्लोप ऑफ लाइन 6x+5y-7=0 m1=, हमें क्या मिल गया -6/5। तो इस वाले लाइन का स्लोप आ गया -6/5, तो m1 हमें मिल गया -6/5। अगर सेकेंड लाइन को हम ऐसे ही चेंज करें तो हमें दे रखा है सेकेंड लाइन का इक्वेशन 2px+5y+1=0। तो इसको चेंज करने पे 5y हमें क्या मिल जाएगा -2px-1, इट मीन्स y की वैल्यू क्या मिलेगी तो -2/5px-1/5। तो स्लोप ऑफ लाइन 2px+5y+1=0 m2=, हमें क्या मिल गया स्लोप -2/5p। ठीक है, तो m2 हमारा ये आ गया। अब लाइंस हमें क्या दे रही हैं, सिंस बोथ द लाइंस आर पैरेलल, आपको क्या बोला गया कि दोनों लाइंस हमारी क्या है आपस में पैरेलल हैं, सिंस बोथ द लाइंस आर
पैरेलल लाइंस क्या है हमारी आपस में पैरेलल हैं, तो हमें क्या मिलेगा एम वन इक्वल्स टू एम टू मिलना चाहिए। जब लाइंस पैरेलल हैं तो हमें मिलेगा एम वन इक्वल्स टू एम टू, तो हमें क्या मिल गया माइनस सिक्स बाई फाइव इक्वल्स टू में माइनस टू पी बाई फाइव, तो फाइव से हमारा फाइव कैंसिल आउट, माइनस सिक्स इक्वल्स टू आ गया माइनस टू पी, तो पी की वैल्यू फाइनली क्या मिलेगी हमें, पी मिल जाएगा थ्री, डिवाइड करने पर पी हमें क्या मिल गया थ्री। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर टू का सॉल्यूशन। तो एक बार आप इसको चाहें तो स्क्रीनशॉट लेके आप सेव कर सकते हैं, ये आपका क्वेश्चन नंबर टू है, ठीक है। देन अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर थ्री, इसको मैं इरेज करता हूँ। अगला हमारा है क्वेश्चन थ्री। क्वेश्चन थ्री में दिया है इफ द लाइंस दिस दिस एंड दिस आर पैरेलल देन द रिलेशन कनेक्टिंग ए एंड बी, दोनों का हम स्लोप निकालेंगे। पहले वाले लाइन का इक्वेशन दे रखा है, मैं इसको थोड़ा डायरेक्ट करता हूँ, ठीक है। तो अगर इसको आप कन्वर्ट करोगे तो हमें क्या मिलेगा माइनस बी वाई इक्वल्स टू में माइनस टू एक्स माइनस फाइव। आपको हरदम वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जहाँ पे वाई आपका हरदम पॉजिटिव होना चाहिए। तो हमें क्या मिल जाएगा माइनस टू बाई माइनस बी एक्स माइनस फाइव बाई माइनस बी, यानी वाई हमें मिल गया टू बाई बी एक्स प्लस फाइव बाई बी, ठीक है। तो स्लोप ऑफ लाइन टू एक्स माइनस बी वाई प्लस फाइव इक्वल्स टू ज़ीरो, एम वन इक्वल्स टू हमें क्या मिल गया तो टू बाई फाइव, ये हमारा आ गया स्लोप ऑफ लाइन। जो एक्स का कोफिशेंट होता है वही आपका स्लोप होता है, ठीक है। अब ये पहले लाइन का हो गया। सेकेंड लाइन हमें क्या दे रखा है कि ए एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल्स टू में टू, जिसको अगर हम कन्वर्ट करें तो थ्री वाई हमें क्या मिलेगा माइनस ए एक्स माइनस टू, तो वाई हमें क्या मिलेगा माइनस ए बाई थ्री एक्स माइनस टू बाई थ्री। तो एम टू स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन एम टू क्या आ गया हमारा माइनस ए बाई थ्री, कोफिशेंट ऑफ एक्स देख लो आप माइनस ए बाई थ्री आपका स्लोप आ गया। तो हमें क्या बोला गया लाइन्स आर पैरेलल, मतलब कि एम वन इक्वल्स टू क्या होगा एम टू होगा, यानी 2 बाई बी आपके किसके इक्वल होगा माइनस ए अपॉन थ्री के। तो अगर इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो माइनस ए बी हमें मिल गया 6, तो यानी ए बी की वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई। ये आपका आंसर रहा कि ए बी इक्वल्स टू 6, ठीक है। देन अगला आपका है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दिया गया है कि इफ द स्ट्रेट लाइन दिस एंड दिस आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो पहले लाइन हमें दिया है 3x माइनस फाइव वाई प्लस सेवन इक्वल्स टू ज़ीरो, जिसको हम अगेन y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में कन्वर्ट करें तो हमें क्या मिलेगा माइनस फाइव वाई इक्वल्स टू में माइनस थ्री एक्स माइनस सेवन, तो y हमें क्या मिलेगा माइनस थ्री बाई माइनस फाइव एक्स माइनस सेवन बाई माइनस फाइव। तो y आपका आ गया थ्री बाई फाइव एक्स प्लस सेवन बाई फाइव, ठीक है। तो ये आपका पहला आ गया। तो स्लोप ऑफ लाइन थ्री एक्स माइनस फाइव वाई प्लस सेवन इक्वल्स टू ज़ीरो, एम वन इक्वल्स टू क्या हमें मिल गया एम वन आपको मिल गया थ्री बाई फाइव, एम वन आपको आ गया थ्री बाई फाइव। अब हम सेकेंड लाइन की बात अगर करें, देखो आप लोग को स्टेटमेंट के फॉर्म में सही से लिखना, ठीक है। सेकेंड लाइन क्या है हमारे पास कि फोर एक्स प्लस ए वाई प्लस नाइन इक्वल्स टू में ज़ीरो, तो अगेन इसको हम उस फॉर्म में कन्वर्ट करें तो माइनस फोर एक्स माइनस नाइन, वाई की वैल्यू क्या मिली माइनस फोर बाई ए एक्स माइनस नाइन। तो स्लोप ऑफ लाइन फोर एक्स प्लस ए वाई प्लस नाइन इक्वल्स टू ज़ीरो, एम टू हमें क्या मिल गया माइनस फोर बाई ए। अब हमें बोला गया लाइन्स परपेंडिकुलर हैं, तो सिंस द लाइन्स आर परपेंडिकुलर तो हमें क्या मिलेगा एम वन इंटू एम टू माइनस वन मिलेगा। तो थ्री बाई फाइव इंटू में माइनस फोर बाई ए माइनस वन होगा, तो माइनस ट्वेल्व बाई फाइव ए आ गया आपका माइनस वन, तो माइनस ट्वेल्व इक्वल्स टू आ गया माइनस फाइव ए, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी ट्वेल्व बाई फाइव, ए आपका आ गया ट्वेल्व बाई फाइव, ए हमारा क्या आ गया ट्वेल्व बाई फाइव, ठीक है। तो ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन आप बच्चों का है क्वेश्चन नंबर 5।
ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या दिया है कि द लाइंस दिस एंड दिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, फाइंड द रिलेशन कनेक्टिंग ए बी, फाइंड द रिलेशन कनेक्टिंग ए बी। तो हमें देखो पहला इक्वेशन दिया है ना, पहला इक्वेशन ही दिया है कि 3x प्लस बी वाई प्लस 5 इक्वल्स टू 0, एंड दूसरा हमें दे रखा है ए एक्स माइनस 5y प्लस 7 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, बी वाई आपको मिल जाएगा कितना, तो माइनस 3x माइनस 5, तो y की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 3 बाई बी एक्स माइनस 5 बाई बी, तो m1 हमें मिल गया क्या, माइनस 3 अपॉन बी, तो स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन आ गया हमारा माइनस 3 अपॉन बी। ठीक है, अब इसको कन्वर्ट करते हैं हम लोग, तो ए एक्स माइनस 5y इक्वल टू में माइनस ए एक्स माइनस 7, तो y आपको क्या मिलेगा, माइनस a अपॉन माइनस 5x माइनस 7 अपॉन माइनस 5, तो y आपको क्या मिल गया, a बाई 5x प्लस 7 बाई 5, तो m2 हमें क्या मिल गया, a अपॉन 5। अब लाइन्स हमारी क्या बोला गया, परपेंडिकुलर हैं, लाइन्स परपेंडिकुलर हैं तो m1 इंटू m2 क्या होगा, माइनस 1 आना चाहिए, यानी माइनस 3 अपॉन b इंटू में a अपॉन 5 हमें मिलना चाहिए माइनस 1, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो a बाई b हमें क्या मिल जाएगा, 5 बाई 3। ये आपका रहा क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन, 5 का सॉल्यूशन, या फिर आप कह सकते हो a इक्वल्स टू में 5 बाई 3 बी, ये आपका रिलेशन मिल जाएगा। तो अगला आपका है क्वेश्चन नंबर 6, उनको आप नोट डाउन करते चलेंगे, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या दे रखा है कि इज द पॉइंट दिस एंड दिस आर परपेंडिकुलर टू द लाइन। ठीक है, तो हमें पॉइंट दे रखा है माइनस 2.3 एंड 4.1, तो स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ द लाइन एम वन पासिस थ्रू, पासिस थ्रू माइनस 2.3 एंड 4.1। तो स्लोप एम वन फाइंड करने का हमारे पास फार्मूला क्या है, वाई टू माइनस वाई वन बाई एक्स टू माइनस एक्स वन, तो एम वन हमारा क्या आ जाएगा, वाई टू वन, वन माइनस 3 अपॉन में एक्स वन, 4 माइनस माइनस 2, तो आपको मिलेगा माइनस 2 बाई 4 प्लस 2 जो कि माइनस 2 बाई 6, आपको आ गया माइनस 1 बाई 3, तो एम वन आपका आ गया माइनस 1 बाई 3। ठीक है, अब हमें क्या दे रखा है, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन हमें दे रखा है 3x इक्वल्स टू में y प्लस 1, तो स्लोप ऑफ द लाइन 3x इक्वल्स टू में y प्लस 1 एम टू इज, हमें क्या मिल जाएगा, तो देखो अगर इसको हम लोग अरेंज करते हैं y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में तो हमें कुछ ऐसा मिलेगा, तो m2 हमारा क्या हो गया, 3, तो स्लोप ऑफ द लाइन आ गया, पहले वाले का आया था माइनस 1 बाई 3, दूसरे का आ गया 3, तो हम देख सकते हैं कि m1 इंटू m2 हमें क्या मिल जाएगा, अगर वैल्यू पुट किया जाए तो m1 इंटू m2 हमें क्या मिलेगा, माइनस 1 बाई 3 इंटू 3 जो कि आ गया माइनस 1, देयरफॉर द लाइंस आर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर लाइंस क्या होंगे, हमारे आपस में परपेंडिकुलर होंगे, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन रहा। तो अगला आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है, थोड़ा सा बस मैं इसको समझाता हूँ, इसको आप लोग खुद ही ट्राई करेंगे। 7 में क्या दिया है कि दिस एंड दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस, ठीक है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ बी, तो पॉइंट ए हमें दे रखा है माइनस 2.3 एंड पॉइंट बी हमें दे रखा है 4.b, तो स्लोप ऑफ द लाइन पासिस थ्रू ए बी, ए बी लाइन से जो इसका स्लोप क्या होगा, स्लोप ऑफ ए बी, यानी एम वन हमें क्या मिल जाएगा, अगर देखा जाए तो ये हमें मिल जाएगा वाई टू माइनस वाई वन बी माइनस 3 अपॉन में एक्स टू माइनस एक्स वन 4 माइनस माइनस 2 जो कि होगा बी माइनस 3 अपॉन में 4 प्लस 2। ठीक है, एंड हमें लाइन के क्वेश्चन क्या दे रखा है, लाइन हमें दे रखा है 2x माइनस 4y
इक्वल्स टू 5 यानी माइनस 4 वाई को मिल सकते हैं, माइनस 2x प्लस 5 यानी y हमें क्या मिलेगा, माइनस 2x बाई माइनस 4 प्लस 5 बाई माइनस 4, तो y आपको मिल गया 1 बाई 2x माइनस 5 बाई 4। तो इसका स्लोप क्या आ गया, m2 आ गया हमारे पास 1 बाई 2, तो स्लोप ऑफ द लाइन आ गया 1 बाई 2। अब बोला गया दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो m1 इंटू m2 हमें क्या मिलना चाहिए, माइनस 1 यानी b माइनस 3 बाई 6 इंटू में 1 बाई 2 आपका होगा माइनस 1, तो b माइनस 3 बाई 12 आ गया आपका माइनस 1 यानी b माइनस 3 हो गया हमारा माइनस 12, तो b हमें क्या मिलेगा, माइनस 12 प्लस 3 बी आ गया हमारा माइनस 9। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन, ठीक है। देन अगला है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दिया है, इफ द लाइन दिस दिस एंड दिस फॉर्म द 3 कॉन्जिक्यूटिव साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी, ठीक है। 3 कॉन्जिक्यूटिव साइड्स फॉर्म कर रहा है, मतलब एक मान लो लाइन आपका ये है, तो दूसरा लाइन आपका ये होगा, तीसरा लाइन ये होगा। अब रेक्टेंगल्स जो होते हैं उनके साइड्स क्या होते हैं, आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, यानी ये वाला लाइन इसके परपेंडिकुलर है और ये वाला लाइन इसके परपेंडिकुलर है। तो पहला लाइन हमें दे रखा है 3x प्लस वाई इक्वल्स टू में 4, तो वाई इक्वल्स टू में क्या मिलेगा, माइनस 3x प्लस 4, तो m1 आ गया हमारे पास माइनस 3, पहला तो हो गया m1 हमारा माइनस 3। सेकेंड लाइन हमें क्या दे रखा है, ये हमें दे रखा है x माइनस ए वाई प्लस 7 इक्वल्स टू 0, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस ए वाई इक्वल्स टू माइनस एक्स माइनस 7, तो y हमारे पास आ गया माइनस एक्स बाई माइनस ए माइनस 7 बाई माइनस ए, तो y आ गया x बाई ए प्लस 7 बाई ए। तो m2 हमारे पास क्या आ गया, 1 बाई ए, 1 बाई ए, m2 आ गया 1 बाई ए, 1 अपॉन ए, ठीक है। देन थर्ड लाइन हमें क्या दे रखा है, थर्ड हमें दे रखा है बी एक्स प्लस 2y प्लस 5 इक्वल्स टू 0, तो हमें क्या मिलेगा, 2y हो जाएगा माइनस बी एक्स माइनस 5, तो y क्या आ गया, माइनस बी बाई 2x माइनस 5 बाई 2, तो m3 हमारे पास आ गया माइनस बी बाई 2। तो तीनों लाइन का स्लोप हमें मिल गया। अब बोला गया है कि लाइन्स क्या हैं, आप परपेंडिकुलर है, ये बोला गया हमें ना, तो कॉन्जिक्यूटिव, तो ये आपका पहला लाइन है m1 है, ये आपका m2 है, तो m1 इंटू m2 क्या मिलेगा, माइनस 1, ठीक है, यानी माइनस 3 इंटू में 1 बाई ए आ गया माइनस 1, तो माइनस 3 आ गया हमारा माइनस ए, ए की वैल्यू आ गई 3, ए क्या हो गया आपका 3 हो गया। अब ये वाला इसके परपेंडिकुलर है, तो m2 इंटू m2 m3 क्या मिलेगा, माइनस 1, तो हमारे पास आ गया m2 1 बाई ए इंटू में माइनस बी बाई 2 माइनस 1, तो हमें क्या मिला, माइनस बी इक्वल्स टू में माइनस 2a, यानी b आ गया आपका 2a और a क्या था, 3 था, तो b हो गया आपका 2 इंटू 3, तो b हो जाएगा 6। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन। तो ऐसा करते हैं, वीडियो आप सभी बच्चों को अच्छा लगा होगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताया जाएगा। थैंक यू।